वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी एक बार फिर से आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशंस का ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। पहले की हम 7 वीडियोस आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। आई होप आपने वो 1 से लेकर 7 तक का अकाउंटिंग इक्वेशंस का सभी वीडियोस देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो नंबर 8 आपको उसके बाद और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम थोड़ा सा एक टिपिकल केस इसमें हैंडल करने जा रहे हैं कि हमको इस केस को कैसे सोल्व करना है। बात क्या आती है, सिंपल सी बात है। मान लो मैं आपको कहूं कि आपने साल के स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगाए थे। कितने लगाए? साल के स्टार्टिंग में 10 लाख लगाए। ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान मान लो आप घर के खर्चे के लिए 2 लाख निकाल लेते हो, बाकी कितने बच गए? 8 लाख। फिर आपने 3 लाख रुपए और एडिशन कैपिटल लगा दी, तो 8 प्लस 3 लाख कितने हो गए? 11 लाख। 2 लाख का आपको साल के दौरान प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 11 और प्लस 2 प्रॉफिट ऐड करके, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 13 लाख। साल के लास्ट में ये 13 लाख रुपए आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम एक छोटी सी प्रैक्टिकली से भी देख लेते हैं। साल के लास्ट में आपने मान लो 10 लाख रुपए लगाए, सिंपल सी बात, आपने ड्रॉइंग कर ली 2 लाख रुपए की साल के दौरान, मतलब आपको पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए था, आपने 2 लाख रुपए निकाल लिया। ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान बिजनेस में कैपिटल और चाहिए थी, आपने बिजनेस में 3 लाख रुपए की कैपिटल और लगा दी। साल के दौरान आपको प्रॉफिट हुआ होगा, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट कमा को भी तो किसको देना होता है? बिजनेसमैन को देना होता है, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो आपको मान लो साल में 2 लाख का प्रॉफिट मिला, अल्टीमेटली क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी बन जाएगी? साल के पहले जो कैपिटल लगाते हैं, पहले दिन जो कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और साल के लास्ट में जो कैपिटल आती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल सी बात, 10 लाख लगाए थे आपने, 10 लाख में से 2 लाख आपने पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिए, बाकी रह गए 8 लाख। 8 में के बाद आपने 3 लाख और एडिशन किया है, फिर 2 आपका प्रॉफिट हो गया, तो 8 और 3 11 लाख और 2 13 लाख। इस 13 लाख को हम कहेंगे आपकी बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल या बिजनेसमैन की क्लोजिंग कैपिटल। अब हम इसको एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, इसी चीज को मैं फिर से यहां पे राइट कर दूं, देखो ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने ड्रॉइंग को माइनस किया है, एडिशनल कैपिटल को प्लस किया है, प्रॉफिट को प्लस किया है, तो लास्ट में आंसर आपका क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, यही की यही बात मैंने आपकी यहीं पर एक ही लाइन के अंदर लिख दी है, सिंपल वे में, सिंपल टेक्निक के अंदर। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 को आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस के अंदर आपने कैपिटल लगाई है 7.5 लाख रुपए की। 7.5 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाई और आपने एक बैंक से लोन भी लिया है, मान लो वो लोन है 2 लाख रुपए का। कितने का लोन है? 2 लाख रुपए का। पूरा 1 साल आपने बिजनेस किया, पूरा 1 साल बिजनेस करने के बाद 31 मार्च 2020 को आपने बिजनेस में क्या चेक किया? बिजनेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एसेट्स रखी हुई है 15 लाख की, मुझे कैपिटल का पता नहीं है, मुझे प्रॉफिट साल के दौरान कितने हुए मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन के अंदर अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन के अंदर हमको ये पता करना है कि हमको साल के लास्ट में कितनी कैपिटल है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, और साल के दौरान हमको कितने प्रॉफिट हमने कमाए हैं। सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साल के स्टार्टिंग में जो 2 लाख रुपए का आपने लोन लिया हुआ था, वो 2 लाख का लोन आपको इस क्वेश्चन में पेमेंट करने की बात नहीं की आपने, कि उस लोन को आपने साल के दौरान पे किया है कि नहीं किया है, तो पे करने की बात नहीं कही है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि हमने उस लोन की पेमेंट नहीं की है। तो अल्टीमेटली हम ये मानकर चलेंगे कि जो आपका साल के लास्ट में जो डाटा है ना, वो समझ लेना कि जो आपका जो लोन है वो लोन आज भी हमारे पास एज इट इज रखा हुआ है। हम क्या मानकर चलेंगे कि 31 मार्च 2020 को आज भी हमने 2 लाख रुपए का लोन पे नहीं किया है।
बिजनेस के अंदर हम जितनी भी लोन लेते हैं वो लोन बिजनेस के लिए क्या होती है, अल्टीमेटली वो क्या होती है, हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो 2 लाख का लोन अगर आपने साल के लास्ट तक पे नहीं किया है तो वो तो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी भी हो गई, तो ओपनिंग लायबिलिटी भी वही है और हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी भी वही है। अब साल के दौरान देखो हमारे पास क्या क्या है, साल के लास्ट में हमारे पास हमको एसेट्स का पता है, एसेट्स कितनी है 15 लाख की, साल के लास्ट में हमारे पास लायबिलिटी कितनी है 2 लाख की। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देते हो, एसेट्स कितने की है 15 लाख, लायबिलिटी कितने की है 2 लाख। अगर आप कैपिटल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप बताओ कैपिटल कितनी आएगी, इस 15 लाख रुपए में से अगर मैं 2 लाख को इधर जाके माइनस कर दूं तो कैपिटल कितनी आ जाएगी 13 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन से हमको, इस इक्वेशन से हमको क्या पता लगा कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है, साल के लास्ट में हमारी कैपिटल कितनी है 13 लाख रुपए लगी हुई है। तो पहला आंसर तो हमको मिल गया कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। अब बात यह आती है कि हमको प्रॉफिट का नहीं पता अब तक कि प्रॉफिट कितना कमाया हमने साल के दौरान। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हो, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, क्लोजिंग कैपिटल में से आप ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो। साल के लास्ट में मान लो आपके पास 15 लाख पड़े हैं कैपिटल के, साल के लास्ट में आपने मान लो 10 लाख रुपए लगाए थे, साल के पहले वाले 10 लाख रुपए आज कन्वर्ट होके 15 लाख बन चुके हैं, इसका मतलब है कि आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना आएगा। देखो साल के लास्ट में कैपिटल कितनी है 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए कैपिटल आप यहां पुट कर दो। साल के पहले दिन आपकी कैपिटल कितनी है, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए आपकी ओपनिंग कैपिटल है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर पूरा के पूरे साल के दौरान आपने कितने का प्रॉफिट कमाया है 5.5 लाख रुपए का। तो यहां पे हमको एक आंसर और मिल गया कि ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के दौरान आपने कितना प्रॉफिट कमाया 5.5 लाख रुपए का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो गया, आंसर हमको दोनों मिल चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख, प्रॉफिट 5.5 लाख। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में साल के दौरान लोन की पेमेंट करने की नहीं बात ही नहीं बोली है, हमने लोन का पेमेंट किया कि नहीं किया है, लोन की पेमेंट करने की बात नहीं कही गई, तो इसलिए हम यही मानकर चल रहे हैं कि जो लोन पहले दिन रखा था वही लोन आज भी हमारे पास रखा हुआ है, इसलिए ओपनिंग लाइबिलिटी हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी बन गई। इसलिए क्लोजिंग एसेट्स में से मैंने क्लोजिंग लाइबिलिटी को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब सिंपल सी बात, मान लो मैं आपको ये कहूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में और एडिशन कर देते हैं, क्वेश्चन की इक्वेशन यही की यही, प्रॉफिट मैं यहां से गायब कर देता हूं, एक बारी प्रॉफिट मैंने गायब कर दिया, मैं आपसे अब ये पूछता हूं कि अगर उसने इसी इक्वेशन के अंदर इसी सिचुएशन के साथ ही बिजनेस में 1,25,000 रुपए की कैपिटल और लगाई थी, मतलब एडिशनल कैपिटल, और साल के दौरान उसने अगर 40,000 रुपए की ड्रॉइंग भी की है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट मैंने पहले से ही हाइड कर ही दिया है, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, ओपनिंग कैपिटल हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, क्लोजिंग कैपिटल भी हमको पता लग चुकी है। सिंपल सी बात, ये इक्वेशन हमारे सामने है, इस सारी सिचुएशन के साथ यहां पे हमको इक्वेशन पुट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन में ये देखो कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 13 लाख रुपए की, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 7.5 लाख रुपए की, साल के दौरान उसने ड्रॉइंग कितनी की है 40,000 रुपए की, साल के दौरान उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई 1,25,000 रुपए लगाई, तो हमको प्रॉफिट का नहीं पता, प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे होएगा। सिंपल सी बात, क्वेश्चन मार्क को यहीं पड़ा रहने दो, ये सारा का सारा डाटा इधर जाके घूम जाएगा, 13 लाख रुपए में से 40,000 प्लस हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, 1,25,000 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, बस ये डाटा घुमाना ही तो है, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग को प्लस कर दो, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, प्रॉफिट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तब हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 4,65,000 रुपए। ये हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था।
हमने इसी इक्वेशन को इसमें और ऐड कर दिया, तब हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करके देखा। इस इक्वेशन के बिना हमारा प्रॉफिट कितना था? 5.5 लाख रुपए। ये इक्वेशन ऐड होते ही हमारे पास अब प्रॉफिट कितना है? 4,65,000 रुपए। आपको बस इस सिचुएशन को याद रखना है। साल के पहले दिन आपने कैपिटल लगाई, ड्रॉइंग करोगे तो साल के दौरान क्या करोगे? माइनस कर दोगे। एडिशनल कैपिटल लेकर आओगे तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। बिजनेस आपको प्रॉफिट कमा के देगा तो क्या कर देगा? वो प्लस कर देगा। अल्टीमेटली सब ताम झाम करने के बाद, सब प्लस माइनस करने के बाद आपका लास्ट में बिजनेस में क्या बच जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने क्या किया? ओपनिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग को माइनस किया, एडिशनल कैपिटल प्लस किया, प्लस प्रॉफिट करते हो। पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, बाकी सब चीजें हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो इस इक्वेशन का हमको कोई रट्टा एप्लीकेशन नहीं करना है, बिल्कुल टेक्निकली चलना, बिल्कुल लॉजिकली लेकर चलना, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो आई होप यहां तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एडवाइस करता हूं आपको कि इससे पहले के 7 वीडियो आप जरूर देखिए, और यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।